एक हसीना थी एक दीवाना था। मेरे कुछ पिछले कुछ साल सिर्फ फिल्म बनाने में नहीं, लेकिन उसे बनाने में जो जितने लोग जिन्हें समेटा गया और न्यू टैलेंट्स के साथ काम किया गया, उन सबको उन सबके साथ एक पूरा साल गुजारना, यू नो, एक बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा रहा है मेरा। इसलिए एक हसीना थी एक दीवाना था से मुझे बहुत उम्मीद है। शिव, आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत कर रहे हैं आप फिल्म से, तो ये मेरी सेकंड मूवी है एंड बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस था मेरा इस प्रोजेक्ट पे काम करने में। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी डायरेक्टेड बाय माय फादर हु हैपेंस टू बी अ फिल्म मेकर। नदीम जी का म्यूजिक है, 6 लाजवाब गाने हैं एंड आई थिंक मूवी की USP ये है कि इसमें कोई आइटम नंबर नहीं है और इसके जो गाने हैं ये आपके दिल में घर कर जाते हैं एंड शायद उसी बहाने आप हमें भी याद रखेंगे। नताशा, जब आपको पता चला कि आप सुनील जी की फिल्म में आप काम कर रही हैं, आपका क्या रिएक्शन था? आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड और मैं बहुत शॉक थी। तो एग्जैक्टली लास्ट ईयर 20th of June पहली बार आई मेट सर फॉर द फर्स्ट टाइम एट बॉम्बे सैलड इन बांद्रा और ever since then my life has changed. तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई फील वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सुनील जी, हमने अक्सर देखा कि आपकी फिल्मों में कहीं ना कहीं एक सीख होती है, साथ में सस्पेंस भी होता है, एक पूरी तरह से एक एंटरटेनमेंट फिल्म होती है। इस एक हसीना थी एक दीवाना में क्या खासियत है? एक हसीना थी एक दीवाना था कि सबसे खूबसूरत चीज उसकी कहानी है, एक अनोखी कहानी है, क्योंकि रोमांस के साथ मिस्ट्री का गठन जो है, यू नो, संबंध जो है वो एक्चुअली हकीकत में भी होता है, यू नो, लेकिन उस सारी प्रक्रिया को जिस दुनिया में सजाया गया है, द वर्ल्ड ऑफ, उसकी जो ब्यूटीफुल सी एक दुनिया है जिसके रंग अजूबे हैं, जो कहीं साउथ वेस्ट इंग्लैंड में फिल्माई गई है, उसके बेहतरीन वो होते ना ठंड में 3 डिग्री माइनस 5 डिग्री माइनस और उस ठंड से एक उभरता हुआ, यू नो, एक फ्लेवर एक होता है जो एकदम अनोखा होता है, तो उसमें फिल्माई गई ये फिल्म है। जी हाँ, ना इस फिल्म में एक और खूबसूरती है, ये 3 एक्टर्स जो 3 प्रिंसिपल प्लेयर्स हैं फिल्म के, शिव, नताशा और रुपेन, इनके जो किरदार हैं ये कहीं ना कहीं आपको आपको ऐसे बिलीव करने पे मजबूर कर दें कि ये सब सही सच्चे हैं, दे आर रियल, यू नो, ये कैरेक्टर्स। इन्होंने तीनों बच्चों ने इतने प्यार से काम किया है, इतना मन लगा के काम किया है, तो हम मेरी डायरेक्शन के लिए नहीं, नदीम के संगीत के लिए नहीं, मैं कहूँगा उससे ज़्यादा इन 3 बच्चों के काम के लिए इस फिल्म को देखा जाना चाहिए कि कैसे नए सितारे उभरते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कई नए एक्टरों के साथ काम किया, कई ऐसे एक्टरों के साथ काम किया जो टांगे से उतर चुके थे, यू नो, लाइफ में, और फिर वापस मेन स्ट्रीम में आए हैं, तो वो जो प्रोत्साहन, वो जो उत्साह होता है उनका, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ क्रिएट करता है और वही उसी का नतीजा है एक हसीना थी एक दीवाना। देव एक असुलझा जुनूनी गहरा कैरेक्टर है, एक्चुअली उसकी उसकी हर बात निराली है, राइट फ्रॉम द वे ही ड्रेसेस अप, उसके बोलने का पोएटिक अंदाज, नताशा के प्रति उसका अटूट प्यार, यू नो, उसमें